हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम नमो विष्णुपदय कृष्ण प्रेस्था भूतल श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी चतञ्चतम् पाशातिदेश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवा सादी श्री गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण Krishna Krishna हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे

Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, 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 Hare Hare Hare. Hare Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. ಜಯ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ಜಯ ರುಕ್ಮಣಿ ದ್ವಾರಕಧೀಶ ಜಯ ರುಕ್ಮಣಿ ದ್ವಾರಕೀಶ ರುಕ್ಮಣಿ ದ್ವಾರಕಧೀಶ ಜಯ ರುಕ್ಮಣಿ ದ್ವಾರಕೀಶ ಜಯ जय गौरानीताय जय गौरानीता गौरानीताय जय गौरताय जय जयो जय प्रभुप प्रभुप प्रभुपाद जय जय प्रभुपाल हरि हरिवो हरि हरिभोनीता श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव भद्रा महाराण की श्री श्री गोवर्धन जी महाराज की श्री स्वच तत्व घोर निताय की पतित पावन श्री श्रील प्रभुपाद की निताई निताई गोरहरी प्रेम प्रेमानंद Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dveta Chand Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda श्री अद्वैत चंद जय गौर वृंद जय जय श्री चैतन्य जय निनंद श्री अद्वैत चंद जय भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा ॐ नमो भगवते श्रीचैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्राय ंशाकपत कृपासे पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निनंदी अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणि हरे कृष्ण तो आज के इस प्रातकालीन कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चौथाम आदि लीला अध्याय सात श्लोक संख्या तिहत्तर सेवेंटी थ्री तो बोर्ड पे लिखा है आप सब बोल सकते हैं कृष्ण मंत्र हिते हवे संसार मोचन कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन कृष्ण नाम पावे कृष्ण रचरण बोलिए कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन

कृष्ण नाम है ते पावे कृष्ण माता जी कृष्ण मंत्र हरे कृष्ण इसका अनुवाद हम सब साथ में पढ़ेंगे कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है निस्संदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं केवल भगवान के नाम से तो कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल जाता है तो एक तो इस संसार से मुक्ति का सरल उपाय है कृष्ण मंत्र हिते हवे संसार मोचन संसार की जो आसक्ति है उसका मोचन यानी छुटकारा हो जाएगा और दूसरा फल है कृष्ण नाम हिते पावे कृष्णेर चरण कृष्ण नाम भजन करने से भगवान कृष्ण के चरण प्राप्त हो जाते हैं लेकिन हम अधिकतर सारी प्रक्रिया करते हैं केवल नाम ही सही से नहीं करते हैं मतलब मैं अपनी बात करूं तो नाम ही सही से नहीं होता बाकी सब अच्छे से होता है तो नाम अच्छे से होना चाहिए भगवान का नाम अगर अच्छे से होगा तो हमारे बहुत सारे काम सिद्ध हो सकते हैं शिला प्रभुपा जी यहाँ पर तात्पर्य दे रहे हैं बड़ा तात्पर्य है तो तात्पर्य के साथ ही चर्चा भी करेंगे तात्पर्य को समझेंगे अपने अनुभाष्य में अनुभाष्य होता है कमेंट्री भाष्य होता है भाषांतर करना ट्रांसलेशन अनुभाष होता है कमेंट्रीज टीका अपने अनुभाष में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं मनुष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही जो प्रभाव देखने को मिलता है वह यह है कि वह माया के बंधन से तुरंत छूट जाता है उसने मंत्र जाप शुरू किया और अब उस पर दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया है कहते हैं दीक्षा हो गई है दीक्षा शब्द का अर्थ है दी से दिव्य ज्ञान और है अज्ञानता की क्षति क्या दिव्य ज्ञान है तो वो दिव्य ज्ञान बता रहे हैं दिव्य ज्ञान का प्रभाव देखने को मिलता है डिवाइन नॉलेज दिव्य ज्ञान दिखेगा दीक्षा तो बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन क्या सच में उनमें परिवर्तन आया उनमें दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ वो यह है कि वो माया के बंधन से तुरंत छूट जाता है उसको अब माया असर नहीं करती है और भगवान की सेवा में, में पूर्णता लग जाता है भगवान की सेवा में पूर्णता लग जाता है जबकि उल्टा होता है व्यक्ति जो है उसका उत्साह कम हो जाता है और जो नया होता है और वो दीक्षा लेने की प्रक्रिया में होता है उसका उत्साह बना रहता है ज्यादातर लोग ये कंप्लेंट करते हैं प्रभु जी दीक्षा तो हो गई लेकिन अब ना उत्साह वैसा नहीं आ रहा जैसा पहले था क्या हो गया ऐसा क्यों नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भक्ति सिंह महाराज बता रहे हैं जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद की सेवा नहीं करता मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद की सेवा सर्विस प्रभुपा जी बोलते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस प्रीति पूर्वक भगवान का भजन भगवान की सेवा करनी पड़ेगी तो एक पॉइंट है प्रैक्टिकल सर्विस सब भक्तों को पकड़नी चाहिए जो दीक्षा ले चुके हैं लेना चाहते हैं उनको बोलना चाहिए मुझे सेवा दो सेवा दो जबकि होता क्या सेवा आती है मैसेज भेजते हैं सेवा है तो 90 परसेंट लोग रिप्लाई नहीं करते बोले कौन जाए सेवा करने और बहुत सारे पढ़े सेवा करने के लिए तो ये जो चीज है ये कभी भी भगवान का प्रेम प्रदान नहीं करने देगी व्यक्ति को रोना चाहिए कि अरे मुझे सेवा नहीं मिल रही मुझे सेवा नहीं मिल रही जब तक वह भारंग शक्ति के अधीन किया जा रहा है और सकाम कर्मों से मुक्त नहीं है क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है जो सेवा करते हैं वो माया की शरण से ऑटोमेटिकली धीरे 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 बाहर निकल जाएंगे श्री तुलसीदास जी एक बात बोलते हैं वो कहते हैं कि इस संसार में लोग बगुले के समान प्रजलपा करने के लिए तो बड़े उत्साहित होते हैं संसारी बातें करने में बड़े उत्साहित होते हैं जिसे बकवाद कहते हैं क्या कहते हैं बगुले की बातें तो बकवाद एक बकवास और एक होती का मतलब होता है चर्चा जब कोई चर्चा किसी एक विषय पर हो तो उसे संवाद कहते हैं वाद मतलब बातें करना किसी एक विषय पर हो तो संवाद और विषय अलग अलग हो मतभेद हो तो हो जाता है विवाद विपरीत है ना वाद के विपरीत तो विवाद तो दो भक्त चर्चा कर रहे हो और शोर हो रहा हो जोर जोर से तो क्या कहेंगे दोनों का आपस में संवाद चल रहा है क्या कहेंगे विवाद चल रहा है लेकिन एक ही विषय पर कृष्ण के बारे में वो कोई सिद्धांत बता रहा है आपने ये सुना अरे आपने ये सुना है दोनों ही कृष्ण के लिए बात कर रहे हैं तो ये क्या है अर्जुन और कृष्ण क्या कर रहे थे परीक्षित और सुखदेव क्या कर रहे थे दुर्योधन और कृष्ण क्या कर रहे थे पता चल गया उत्तर हमको और एक है कि जब आपके समझाने पर भी सामने वाला नहीं समझता है और वो गालियां देने लग जाता है तो वो होता है वितंड वो बातें होती हैं जो कि आप देखें अगर दो व्यक्ति अपने अपने तर्क प्रस्तुत करें तब तो विवाद है लेकिन दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है तो वो वितंड हो जाता है आजकल राजनेताओं का आपने देखा है माइक उछा हाँ करके पटक पटक के मारते मेरी सुनो मेरी सुनो वितंड और एक होता है संसारी बातें करना आदमी अपनी बता रहा हम बीमार हैं हमारे घर में दवाई चल रही है इसे कहते हैं जल्प लेकिन जब वो निंदा में उतर आता है जब वो संसार की बातें तो करता है कंपेरेटिव स्टडी करता है दूसरों को बोलता है ये बेकार है ये अच्छा है वो बेकार है ये इसे कहते हैं प्रजल्प है ना तो भगवान के भक्त श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो ये प्रजल्पा है इसको कम करेंगे नहीं तो ये हमारी भक्ति को विनाश कर देता है षडबिर भक्तिर विनश्यति प्रयासस्व प्रजल्पा च नियम आग्रह प्रयास एंडेवर करना ज्यादा पाने की अभिलाषा अधिक पाने की और प्रजल्पा करना यानी कि संसारी बातें तो करना ही करना उसमें कंपैरिजन करने लग गए वो अच्छा ये अच्छा वो बुरा इसको प्रजल्प कहते हैं ये मत करो इससे क्या होगा भक्ति विनश्यति स्वाभाविक रूप से विनाश होगा तो हरि नाम की ये महिमा है कि, कि किसी व्यक्ति को समझ नहीं आता वो माला लेकर चल रहा है जैसे गधे की पीठ पर चंदन की लकड़ी ले जाओ गधे की पीठ पर चंदन की लकड़ी ले जाओ पांच किलो चंदन लेकर के जा रहा है क्या वो चंदन की महत्वता जानता है ऐसे ही गले में माला टांग लेने से और साथ में अन्य प्रजल्प आदि कार्य करने से वो व्यक्ति उसी गधे के जैसा है जो अपनी पीठ पर हरिनाम रूपी चंदन की खुशबू को चंदन को ढो रहा है तो आपको देखना है आपको क्या बनना है गधे को कहते हैं वैशाख नंदन है ना तो ये वैशाख नंदन अपनी पीठ पर वजन ढो रहा है है ना माला तो टंगी है गले में भाई बहुत लोग आते हैं गोविंदास से खरीद लेंगे बीबीटी से खरीद लेंगे कहीं से भी माला ले लेंगे राधा कोण वृंदावन ले लेंगे माला दूसरे ने कंठी पहनिए पहन लेंगे लेकिन क्या वो सच में इसकी महत्वता समझ रहा है कहते हैं राम 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 जी जो ना तू ना जपिए तुलसीदास जी ने एक पत्रिका लिखी था विनय पत्रिका उसमें वो कहते हैं राम 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 जी जो ना तू ना जपी है जो भगवान का नाम नहीं जपता है तो तू नु जाए तीनों ताप तपी है ये कहीं भी जाएगा क्योंकि भगवान का नाम सही से नहीं जप रहा है तो नह जाए तीनों ताप तपी है क्योंकि नाम ध्यान से नहीं जपता जहां जाएगा उसको तीनों प्रकार के ताप आदि दैविक आदि भौतिक आधी आत्मिक ये तीनों उसको तपाएंगे जलाएंगे हर जगह उसको फ्रस्ट्रेशन मिलेगी सोचो यहां छोड़कर यहां चला जाऊं यहां भी फ्रस्ट्रेशन यहां छोड़कर यहां चला जाऊं फ्रस्ट्रेशन कई बार लोग सोचते हैं मैं स्थान परिवर्तन कर लू इस संघ से छोड़कर इस संघ में चला जाऊं करते हैं ना पार्टी वाले ये पार्टी छोड़कर इस पार्टी में ये छोड़कर उस पार्टी में चला जाऊं क्या स्थान परिवर्तन करने से मेरे कर्मों के प्रारब्ध कट जाएंगे जो ना जपे राम नाम जो नहीं राम नाम जपता है जहां जाएगा तीनों ही ताप तपी है तीनों ताप से उसको तपना पड़ेगा एक गांव से एक व्यक्ति चल दिया गांव में रहता था वहां पर अकाल पड़ गया तो गांव से जब चल दिया तो जा रहा था तो देखता है उसकी मां ने खाना पीना पैक करके दे दिया उसको कि ले जाओ बेटा इसको जब जा रहा था तो एक काला व्यक्ति उसके पीछे पीछे अनुगमन कर रहा था चल रहा था आधे रास्ते में देखा जब वो चलता है तो वो भी चलता है ये रुकता है तो वो भी रुकता है तो एक जगह पूछा भाई हो कौन जो मेरा पीछा कर रहे हो मैं गांव से शहर जा रहा हूं मेरे गांव में अकाल पड़ा है जाऊंगा कुछ कमाऊंगा और फिर कमा करके अपने माँ अपने पिता का कुछ पालन करूंगा तो तुम कौन हो जो मेरा पीछा कर रहे हो कहा मैं आपके कर्म प्रारब्ध हूं कर्म हूं मैं आपके जो कर्म आप करके आ चुके हैं वो आपको फल भोगना ही पड़ेगा कर्म प्रारब्ध कहा अच्छा तो यानी मैं शहर में जाऊंगा मुझे वहां भी भूखा रहना पड़ेगा बोले हाँ तुम्हारी किस्मत में अकाल था तुम चले भी जाओ स्थान परिवर्तन कर लोगे तब भी कुछ नहीं होगा बोले फिर ठीक कैसे होगा बोले केवल भगवान कृष्ण का नाम एक ऐसी वस्तु है एक नाम जो है एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नव विधा भक्ति पूर्ण नाम नव विधा भक्ति जो नवधा भक्ति है श्रवण कीर्तन से प्रारंभ करके और आत्मनिवेदन तक जाती है इस सारे के सारी विधि के अंदर सबसे मुख्य है नाम कोई भी हो कीर्तन के आगे श्रवण, है श्रवण कीर्तन ये सारी चीजें आती हैं इसमें नाम अगर नहीं है श्रवण करें और नाम श्रवण नहीं किया कीर्तन करें और नाम कीर्तन नहीं किया प्रवचन दे रहे हैं लोग बड़ी बड़े कथाओं में लेकिन उसमें एक बार भी नाम नहीं आता तो वो प्रवचन सुनना बेकार है वो कीर्तन सुनना जिसमें नाम नहीं है वो बेकार है लोग भजन सुन रहे हैं आजकल ना भजन सुनर तरह तरह के लेकिन उसमें हरि नाम नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है एक कृष्ण नाम करे सर्व पापुष एक ही नाम काफी है केवल एक नव विधा भक्ति पूर्ण नाम है नव विधा भक्ति पूर्ण कब होती है जब व्यक्ति बोलता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 बोले अगर नहीं जपेंगे तो क्या बिगाड़ लोगे इसकोन वालों ने बना लिया हरे नाम तो आगे कहते हैं सुरसरी तीर बिना निर दुखी पाई है सुर सरि तीर सुर यानी देवता भी आना चाहते हैं और उस व्यक्ति को जो भगवान का नाम नहीं जपता वो नदी के किनारे जाकर भी प्यासा रह जाएगा अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी उसकी लाइफ से बड़े बड़ा ग्रह नवग्रह आदि उसको पकड़ लेंगे क्योंकि वो नाम जप नहीं करता नदी के पास आगे लगेगा बस अब तो मुझे चेक मिलने वाला है नाम नहीं जपता छूट जाएगा लगेगा मैं इतना विफल क्यों हूं मेरे को कोई प्रेम क्यों नहीं कर रहा संसार में ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ये नाम के प्रति या तो अपराधी है या नाम ढंग से नहीं जपता या नाम ही नहीं जपता है ना सुर सरी तिरह बिना निरा दुख पाई है बहुत दुख पाएगा देवता लोग भी अगर नाम ना जपे तो नदी के किनारे तीरे जाकर के भी सूखे प्यासे रह जाएंगे और क्या होगा सुर तरु तर दरिद्र सताई है ये कहते हैं जो नाम जप नहीं करता शिशि रुक्म द्वार का की जय जगन्नाथ बलदेश गौर नेता है दारिद्र सताई है कहते हैं कि कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर के और कोई व्यक्ति इच्छा व्यक्त करे कि मेरी इच्छा करो तो कल्प वृक्ष तुरंत पूरी कर देता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं एक वैष्णव को जब प्रणाम करते हैं तरु यानी यानी वृक्ष और कि जो सभी इच्छाओं को को पूर्ण करने वाला वो वैष्णव आपकी इच्छा पूरी कर सकता है वांछा यानी इच्छा कल्प तरु भष्य कृपा सिंधु भी एवचा आप तो वैष्णव हैं कृपा के सागर हैं पतिता नाम मैं तो पतित हूं पावन भ्यो उसको पावन कर दो मुझे क्या बना दो अपने जैसा वैष्णव मुझे अपने जैसा वैष्णव बना दो क्योंकि आप इच्छा को पूरी करने वाले हैं एक वैष्णव के पास सब इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति होती है ये बोलते हैं जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक सोलह साल सोलह माला का जब कर ले ध्यान पूर्वक करना है ऐसे नहीं घूमते फिरते वो तो बहुत लोग कर रहे हैं वो व्यक्ति की जुबान सिद्ध हो जाएगी और देवी देवता उसका अनुगमन करेंगे उसके पीछे पीछे चलेंगे अरे ये तो सिद्ध पुरुष है इतनी नाम सुर तरु ताहे दरिद्र सताई है कल्प वृक्ष के सामने जाकर भी ये भिखारी रह जाएगा दरिद्र आ जाएगा इसको इसको धन नहीं मिलेगा भूखा रहेगा खाना नहीं मिलेगा कल्प तरु के सामने जाके क्यों हरि नाम नहीं लेता ये इतना बड़ा है सोच रहे हो संसार में अपने रिश्तेदारों को पकड़ पढ़ के जबरदस्ती अरे पढ़ ले हरि नाम कर ले ऐसे बोलना चाहिए सबको एक तो माला कर ले हिला हिला के लोगों को सिखाना चाहिए वरना सब उनका मनुष्य जीवन तो बेकार हो ही रहा है भूखे मरेंगे दुख पाएंगे दरिद्र पाएंगे और हो ही रहा है समाज में आज कितना बिजनेस लगाते हैं लॉस हो जाता है स्ट्रेस है डिप्रेशन हो रहा है डाइवोर्स हो रहे हैं मारपीट हो रही है चींची चींची हो रही है क्यों केवल हरि नाम नहीं है संसार में ये देना है वैष्णवों का भाव यही है सेवा यही है अनंत लोगों को हरिनाम देना है सारे संसार को नाम देना सोचकर निकल जाओ घर से लोग बोलते हैं किसको प्रीचिंग करें कोई सुनता ही नहीं है अरे तो सुनाने का काम तो आपको दिया है अगर सुन ही लेते तो आपकी क्या जरूरत थी चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने आपको सुनाना है समझाना इसलिए तो प्रचारक बताया आपको कि सबको एक पेड़ है जिस पर आम लगे हैं और उस आम कहते हैं चेतन महाप्रभु मैं अकेला बांट नहीं सकता मुझे चाहिए आप सब इस आम को बांटने में मेरी मदद करें तो वो आम आप बांटेंगे नहीं तो आप कैसे महाप्रभु के मूवमेंट के भक्त हुए कैसे आप स्कॉन के भक्त हुए प्रभुपात जी ने बोला प्रीचिंग इज एसेंस और लोग बोलते नहीं हम तो नहीं करेंगे प्रभु जी हमसे नहीं हो पाएगा तो आप प्रीचिंग इज द एसेंस आप प्रभुपात को ही नहीं मान रहे हो बुक्स आर द बेसिस आप बुक्स नहीं पढ़ते हो आप कहते नहीं नहीं हमें पढ़ने का शौक नहीं है तो बुक्स आर द बेसिस हुआ प्योरिटी इज द फोर्स शुद्धता ही आपको प्रयास में विफल सफल बनाएगी शुद्ध नहीं हो आप बिना नहाए नहाय के नाम माला कर रहे हैं सुन लिया है कि बिना नहाए भी माला कर सकते सर्दी पड़ेगी नाइनटी परसेंट लोग बिना नहाए माला करेंगे क्या करें प्योरिटी इज द फोर्स को ही नहीं समझे एंड यूटिलिटी प्रिंसिपल यानी कि किसी भी वक्त कोई भी कार्य करके भक्ति में लगाने का काम यह कहता है यूटिलिटी प्रिंसिपल वहां पर लकीर का फकीर नहीं बना जाता अरे ऐसा तो नहीं पहले बोला था अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? को देखने समझ नहीं फिर वो कल्प वृक्ष नहीं रहा ना वो तो मनुष्य हो गया वैष्णव कल्प वृक्ष होता है उसकी क्रिया आप समझ नहीं सकते वो क्यों कर रहा है कैसे कर रहा है तो ये बात है और ये हरिनाम इतना पावरफुल है आगे कहते हैं भक्ति सिद्धांत जब कोई निरअपराध भाव से भगवत नाम का जब करता है तो वह दिव्य पद प्राप्त करता है यही बात तो बताई दिव्य पद यानी डेमी गॉड्स देवता भी इसके ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं डिवाइन आदमी है जब करता है साधारण बात नहीं अच्छा अच्छा आप लोग हरे कृष्ण करते हैं हम लोग ओम नमः शिवाय करते हैं हम लोग भी माता दुर्गा का रोज पाठ करते हैं जी 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 हम लोग भी स्पिरिचुअल हैं नहीं नहीं यू आर नॉट स्पिरिचुअल इफ यू आर नॉट चेंटिंग हरि नाम होली नेम हरे कृष्ण मंत्र यू आर नॉट स्प्रिचुअल नॉट स्पिरिचुअल आप रिलीजियस हो सकते हैं धार्मिक हो सकते हैं पर आप स्पिरिचुअल नहीं है स्पिरिचुअल स्पिरिट. एक होता है रिचुअल अगरबत्ती घुमाना रिचुअल इसके अंदर जब आत्म तत्व मिलाया जाता है स्पिरिट प्लस रिचुअल बिकम्स स्पिरिचुअल आत्मा साथ में बाहर की पंचरात्रिक विधि क्रिया तब बनता है स्पिरिचुअल और स्पिरिट क्या है भगवान कृष्ण का अंश तो अंश अगर अंशी का स्मरण ना करे बच्चा अपने पिता का स्मरण ना करे तो उस बच्चे का कोई फायदा है उस बच्चे का कोई फायदा है जो पिता का नाम ही नहीं लेता बोले जी नाम में कोई इतनी शक्ति नहीं है लोग बोलते हैं तो उसको गाली दो तेरी ऐसी की तैसी बोले कैसे बोला बोले असर पड़ा मैंने मारा गाली दी बोले नहीं तुमने बोला बोले बोलने के शब्द में शक्ति है तो जब गाली देने से तुम उद्विग्न हो सकते हो तो हरि नाम लेने से कृष्ण प्रसन्न नहीं हो सकते शब्द में शक्ति है वर्ड के। तो फिर गाली से क्यों आप बेचैन हो रहे हो हरि नाम से भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं। जो जीवन की भौतिक अवधारणाओं से सर्वदा मुक्त होता है भगवान की सेवा करते हुए भक्त भगवान के साथ पांच संबंधों में किसी एक के द्वारा संबंधित हो सकता है पांच रस में से कोई एक रस शांत दास्य वात्सल्य साख्य माधुर्य इस संबंध में वह दिव्य आनंद का आस्वादन करता है अब ये जो संबंध है इसमें उसको एक अलग रिलेशनशिप निकलेगा एक अलग आनंद की अनुभूति होगी मेरा कृष्ण से ये संबंध है और उस संबंध की चर्चा वो किसी से भी नहीं करेगा अगर आपने उस संबंध की चर्चा कर दी कि हमारा ये संबंध है तो वो संबंध धीरे धीरे घट जाएगा तो अपना संबंध जो आपको अनुभव हो उसको किसी को नहीं बताया जाता अगर आपको पता करना है क्या यह प्रमाणिक संबंध है तो वैष्णव या गुरु के पास जाकर इस संबंध को प्रकट किया जा सकता है और वो बताएंगे हाँ तुम्हारा यह संबंध है या सच में तुम अभी मनोधारणिक धर्म जी रहे हो यानी अपनी सोच से तुमने बना लिया है या सच में तुम्हें अनुभव होना रस आ गया है ये गुरुजन बता सकते हैं या वैष्णु बता सकते हैं वो आपसे दो प्रश्न चार प्रश्न करेंगे उसी में पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो कितना तुम्हारा भाव है है ना जैसे एक व्यक्ति था वो आया था स्कॉन मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर में और वो बड़े ही अद्भुत लक्षण प्रकट कर रहा था जय गौर नेताई जय कृष्ण बलराम जय जय राधे श्याम सुंदर सारे अंग्रेज भक्त प्रभुपाद जी के बोले स्वामी जी एक डिवोटी आया है अष्ट सात्विक विकार प्रकट कर रहा है रो रहा है स्वेद कर रहा है पसीना निकल रहा है नाच रहा है आपने पढ़ाया तो था लेकिन हमने कभी देखा नहीं था आज प्रत्यक्ष देख लिया प्रभात बोले अच्छा इस प्योर डिवोटी यस स्वामी जी कहा ठीक है जाओ कैसे पता करें एक डंडा लेके जाओ और जोर से मारो अगर ये सच में आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो श्री हरिदास ठाकुर को जब वो नाम जपते थे 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया पर उनके मुख से हरिनाम बंद दो चार डंडे मार मारकर देखो हरि नाम करता रहेगा तब फिर बाद में बताएंगे पहले लेवल वन टेस्ट करते हैं फिर लेवल टू टेस्ट करेंगे तो लेवल वन टेस्ट किया भक्त बोले अगर शुद्ध भक्त हुआ तो अपराध हो जाएगा जी बोले वो जिम्मेदारी मेरी है तुम जाके टेस्ट करो गए जाकर के एक छड़ी मारी उसको वो बंगाली आदमी था की की करता करता है है खत्म प्रभात जी को बोले जी पता चल गया कितना शुद्ध भक्त भक्ति के भाव में इतना ज्यादा व्यस्त होता है व्यक्ति उसको मालूम ही नहीं पड़ता लेफ्ट राइट क्या चल रहा है अगर कोई व्यक्ति मंदिर में आकर बोलता है पता है तुम्हें क्या क्या चल रहा है पता है तुम्हें तुम्हें नहीं पता हम बताते हैं इसका मतलब ये मंदिर में आता तो है जैसे एक मक्खी आती है और आकर के उड़ जाती है इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है पशु आता तो है मंदिर के पास लेकिन खाना खाकर घर चला जाता है छिपकली आती तो है मंदिर के पास दीवारों पर छिपकी रहती है लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो खाली मंदिर जाना नियम बना लेना इसको आप भक्ति बोले मंदिर आओ तो उस मंदिर से परिवर्तन आना चाहिए ये है भक्ति परिवर्तन नहीं आया तो फिर आप कितना ही सुबह आ रहे हो शाम को आ रहे हो दीपदान कर रहे हो परिवर्तन आया नहीं आपका काम वही है लिस्टे बना बना के आप देख रहे हो तो गड़बड़ हो गया तो इसी तरह ऐसा संबंध शरीर तथा मन से परे होता है शरीर और मन से परे है ना मन का विकार सताएगा ना शरीर का विकार आदातर टाइम देखिए आप जब फीवर आता है बुखार आता है तो क्या हमारा मंत्र होता है ढंग से यानी कि अभी तक हम जो भक्ति कर रहे हैं वो शारीरिक स्तर पर है आत्मिक स्तर पर नहीं शरीर के बुरी अवस्था में आते ही सबसे पहले नाम छूटता है तो जो जो तो सोचो जब शरीर छोटेगा तो क्या मुख में नाम आएगा जन्म जन्म ऋषि तप करा अंत राम कहे आवत नाही कोशिश करते हैं आता ही नहीं है नाम बड़े बड़े ऋषि मुनियों से नहीं निकला राजा भरत पूरा जीवन भजन किए अंत में एक हिरण से आसक्त हो गए लेकिन क्या हुआ अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा क्यों अंत काले चमा में व स्मरण मुक्त वाकर ले अंत में मेरा स्मरण करोगे तभी तुम मेरे धाम को आओगे बात सत्य है लेकिन अगर तुम्हारा अंत में जो भाव होगा वैसा शरीर मिलेगा तो कैसे हो शरीर तथा मन से परे आपको भक्ति करनी पड़ेगी जब मनुष्य को यह अनुभूति हो जाती है कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है तो यह पहला और सबसे मुख्य पॉइंट है भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद जब चैंटिंग करने बैठे तो सबसे पहले यह नियम याद करना चाहिए कि मैं भगवान से मीटिंग करने जा रहा हूं भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद पूरे माला में एक बार भी अनुभव होता है इस बात का संख्या पर ध्यान होता है अगले प्रोग्राम्स पर ध्यान होता है मीटिंग्स पर ध्यान होता है मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं आपकी नहीं लेकिन क्या हम भगवान ही है मेरे हाथ में हम यहां दौड़े दौड़े आते हैं मंदिर में भगवान के दर्शन बंद हो जाएंगे और ये क्या है ये भगवान नहीं है नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम।, नाम नाम और नामी में कोई फिर आप कैसे भेद कर रहे हो माला छोड़कर दर्शन बना बनाए दर, आदि माला में गोविंद मे तो ये भगवान नहीं थे दोनों तो भगवान है आपने भेद किया तो भेद बुद्धि हो गई आप में लिख रहे हैं नाम अपराध में भेद नहीं करना आप भेद कर रहे हो चैंटिंग को उतना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि आर्चा विग्रह की सेवा तो द्वापर युग की थी कलयुग का तो केवल हरिनाम संकीर्तन वो मंदिर में मान लो कोई व्यक्ति आरती अटेंड कर रहा है और बाहर कीर्तन चल रहा है वो कीर्तन में नहीं जाएगा मंदिर के आगे खड़ा रहेगा बोले ये भगवान है और वो वो भगवान नहीं है कथा चल रही है अब कथा भगवान का नाम है यत्र गायन भक्ताम तिष्ट नारद मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं अब यहां भगवान नहीं दिखेंगे अभी यही तो चलो भक्त लोग हैं लेकिन संध्या के जो प्रोग्राम होते हैं लोग दर्शन करने के लिए भागते हैं उनको लगता है ये भगवान नहीं है जब भगवान कह रहे हैं कि स्वधाम उपगते ज्ञान धर्म आदि आदि भी सहा हुँ? कलो नष्टम दृशम ऐसे पुराणो अर्को उधोनो दिता भगवान से पूछा भगवान जब आप धाम को चले जाएंगे तो फिर धर्म और ज्ञान किसकी शरण लेगा तो उन्होंने कहा पुराण उधनो दिता जैसे अंधकार को भगाने के लिए सूरज आता है ऐसी कलयुग के कलमश को काटने के लिए भागवत पुराण आएगा अब भागवत कथा को इग्नोर करके मंदिर में घूम रहे हैं दीपदान चल रहा है जी तो फिर इसका मतलब आप अभी भागवत को भगवान नहीं समझे ये देखो ना प्रॉब्लम यहां पर है हम भगवा भागवत को भगवान नहीं समझ रहे नाम को भगवान नहीं समझ रहे और चैतन महापुरु ने धर्म क्या दिया भागवत धर्म जिसमें केवल भागवत श्रवण और हरि नाम करना ये दो चैतन महापुरु बाकी जितना है डीटी वर्शिपिंग करना और जितना भी हमारे अन्य अन्य क्रियाएं हैं ये सब भी प्रचार है जब इसके बेस में हरि नाम है आप सोचो केवल आप भगवान का जाप मत करो और आप हरिमाम कीर्तन मत करो और केवल अपनी सेवा करते रहो है ना कुकिंग करते रहो जो भी अन्य 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 आदि सर्विसेज हैं ये सब ही शक्तिशाली हैं तब जब इनके बेस में हरि नाम है हरि नाम बिना ना भुवन कुछ ना कुछ भी नहीं है चौदह मोलोकों में हरि नाम के बिना ये बात भक्तिशन महाराज बता रहे हैं जब मनुष्य को अनुभूति हो जाएगी कि भगवान के पवित्र नाम से अभिन्न है तो वह पवित्र भगवान नाम का जब कीर्तन करने का पूर्ण पात्र बन जाता है तब वो पात्र बनेगा करेक्टर चरित्र उसका ऐसा होगा कि अब वो भगवान का नाम जप सकता है पहले उसमें मानना पड़ेगा ये सबसे पहला नियम है कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है जब भी चैंटिंग करने बैठे एक बोर्ड बोर्ड पे लिख लें घर में अपने नाम और नामी में भेद नहीं है कृष्ण और कृष्ण के नाम में ये लिखें और पोस्टर बड़ा सा लगा दें जहाँ चैंटिंग करते हैं अपने कमरों में बार बार स्मरण आएगा आपको भगवान में भगवान एक बार तो जाएगा मीटिंग हो रही है भगवान से हरे कृष्ण ऐसे भाव में कीर्तन करने वाले और नाचने वाले को भगवान से सीधा संबंध ऐसा समझना चाहिए जो कीर्तन करते वक्त नाचते हैं जो कीर्तन करते वक्त बोलते हैं भगवान का नाम वह सीधा संबंध है भगवान से सीधा संबंध है, है ना जैसे हम कहीं कीर्तन करें हरे कृष्ण हरे कृष्ण अरे वैष्णव भजन गाइए ना भजन गाइए ना हरि नाम क्यों कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ये सिद्धांत यही भगवान का सीधा संबंध है जैसे आपने ये क्यों करते हैं ऐसे ऐसे करके क्यों कर देते हरे कृष्णा इसका मतलब है कि प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ पूर्ण रूपण और तुरंत उनके चरण जो भगवान बैठे हैं हम पकड़ना चाह रहे हैं तो जोर से ऐसे करके करता है मैं भगवान के चरणों को छू लू मैंने अपनी शरणागति कर दी ठाकुर जी आपके गौरंग महाप्रभु ऐसे खड़े रहते हैं हमेशा और आपको दर्शन देते हैं और आप ऐसे करके एक मिनट रहते हैं फिर नीचे आ जाते हैं जो भगवान है वो ऐसे खड़े रहते हैं आपके और आप ऐसे खड़े रहते हैं भगवान शरणागति दिखा रहे हैं और हम सीधे खड़े होकर के शक्ति दिखा रहे हैं अपनी हम्म वैदिक सिद्धांतों के अनुसार आध्यात्मिक विकास के तीन चरण हैं संबंध ज्ञान अभिध्य और प्रयोजन तो आध्यात्मिक विकास के तीन मार्ग हैं पहला संबंध ज्ञान दूसरा अभिध्यय और तीसरा प्रयोजन संबंध ज्ञान क्या है संबंध ज्ञान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने मूल संबंध को स्थापित करने का सूचक है क्या है अपने मूल संबंध को स्थापित करने का सूचक है मेरा भगवान से एक संबंध है जीवेरे स्वरूप हुए नितेर कृष्ण दास क्या आप दास बन गए नित्य दास दास का भावना है आप में दास की भावना है मान लो पालकी लेके जा रहे हो कृष्ण की जगन्नाथ की कृष्ण बलराम की रथ चल रहा हो और सामने प्रसाद हम बट रहा हो और जो आपको पसंद भी हो तो क्या आप पालकी छोड़ के दूसरे भक्त को नहीं जरा पकड़ना प्रसाद लेके आ रहा हूं जाएंगे कि नहीं क्योंकि अभी तक आपका संबंध स्थापित कोई माता अपने बच्चे को गोदी में लेकर डॉक्टर के पास ले जा रही है और रस्ते में उसको कोई कहता है आओ माता प्रसाद पा लो पाएगी क्यों संबंध है संबंध है हम दूसरे भक्त की निंदा कैसे कर, कर सकते हैं क्योंकि संबंध शारीरिक रूप पर है बाहरी रूप से है अंदर से है तो फिर वो कभी नहीं जाएगा तो इंटरनल रिलेशंस नहीं है अंतर्मुख नहीं हुई भक्ति बाहर मुख चल रही है दिखावे की है ना तो इसीलिए दुख है संसार में संबंध से नीचे के स्तर पर भजन हो रहा है इसको कहते हैं प्राकृत भक्त है ना न्यूफाइड डिवोटीज को बोलते हैं प्राकृत भक्त प्रकृति के तापों से दबा हुआ प्राकृत भक्त है ये ये अभी तक संबंध के ज्ञान पर भी नहीं आया रिलेशन ही नहीं हुआ कृष्ण के साथ अब तो भक्ति प्रारंभ होगी संबंध के बाद संबंध के बाद अभी <coughs> अरे कृष्ण तो अभिध्य क्या है ध्य मतलब होता है कहते हैं ना मेरा ध्येय ये है किसी कार्य को पूरा करने का मकसद ध्य और कहते हैं अभी, अभी पता चल जाए वो रास्ता जिससे कृष्ण प्राप्त हो उसे कहते हैं अभिद्य तो पहले संबंध यानी कोई डिवोटी आया मंदिर में हमने उससे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं जी मैं द्वारका मोड़ रहता हूँ या सेक्टर तेरह जहाँ पर भी तो हमने उससे नंबर ले लिया एड्रेस ले लिया अब हम उसके घर जाना है तो क्या पूछेंगे यहां से किस रास्ते से उनके घर जाया जा सकता है तो रास्ता जो है वो है अविध्य तो सबसे पहले जब नंबर लिया तो क्या स्थापित हुआ संबंध अब रास्ता पूछा तो क्या हो गया अविध्य और अब वहां जाकर के आपको उनको प्रसाद देना है यह है आपका प्रयोजन प्रयोजन का अर्थ है जीवन का चरम लक्ष्य जिसमें भगवत प्रेम का विकास होता है प्रेम पुमर्थो महान श्री प्रभुपाद कहते हैं प्रेम प्राप्त करना यह जीवन का प्रयोजन है कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जो मनुष्य जीवन का परम परम लक्ष्य क्या है बोलिए सब लोग बोलिए श्री कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है ये लक्ष्य है आपका दोबारा सोचो क्या है परम लक्ष्य आज मंदिर में पकोड़ा मिल जाए ये मेरा परम लक्ष्य है गोविंदा का बढ़िया सा रसगुल्ला लेना है ये परम लक्ष्य है मुझे जाकर के वो वाली माता जी जैसी गोपी ड्रेस खरीदनी है ये परम लक्ष्य है वो प्रभु जी जैसा धोती कुर्ता लेना है ये परम लक्ष्य है मैं भी अब गाड़ी बड़ी कर लूँगा ये डी बनते हैं नम्बी गाड़ी में घूमते हैं मैं भी अब इनकी बराबरी में बड़ी गाड़ी ले लूँगा ये मेरे जीवन का परम लक्ष्य है है ना वो वाले प्रभु जी ने उन वाली माता जी की बुराई करी अब मैं भी इन वाले प्रभु जी की बुराई करूंगी या करूंगा ये मेरे जीवन का परम लक्ष्य है तो क्या ये है नहीं है तो इसका अंदर अभी तक संबंध नहीं है प्रयोजन नहीं है अभिद्य नहीं है जैसे कि बहुत सुंदर एक कथा आती है कि एक बार वेद व्यास जी जो थे उन्होंने एक हाँ तो वेद व्यास जो थे वो एक बार स्नान कर रहे थे और स्नान करते वक्त उन्होंने सारे सारे ऋषि मुनि उनसे मिलने आए थे क्योंकि भागवत वक्ता थे भागवत के रचयिता थे तो भागवत जब उन्होंने नारद जी से सीखा और वो लिखने लगे उसको तो एक दिन वो गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो कई ऋषि मुनि उनसे मिलने आए और ऋषि मुनि ये पूछने आए थे कि अब कलयुग आने वाला है तो इस कलयुग का उद्धार कैसे होगा इस इसमें आदमी बचेगा कैसे मान लो तूफान आने वाला हो तो टीवी में पहले से आ जाता है कि तूफान आने वाला है तूफान आने वाला बच जाइए तो मछुआरे अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं नाविक अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं बोले तूफान आने वाला है दिल्ली में अगर आंधी आने वाली हो लोग अपने दरवाजे बंद करेंगे दो दिन बाहर मत निकलना स्मोक हो जाता है जैसे दिवाली आदि के पास बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन तो लोग कहें बाहर मत निकलो स्कूल की छुट्टी कर दो तो पहले से ही ट्रीटमेंट की ओर चालू हो जाता है तो इस प्रकार से कलयुग के बचाव के प्रश्न पूछने वेद व्यास जी के पास पहुंचे और वेद व्यास जी जब अंदर थे तो उन्होंने कहा जय कलयुगा, जय कलयुगा, जय कलयुगा। क्या बोला बोलिए बोले प्रभु जी कैसे काम करवा रहे हो हमसे कलयुग की जय करवा रहे हो जय सतयुगा जय द्वापर युगा जय त्रेता युगा तो समझ वेद व्यास जी क्या बोले जय कलयुगा जय कलयुगा जय कलयुगा हाँ। सब प्रश्न पूछने आए थे अब चुप हो गए बोले खुद ही के जय जय कर रहे हैं तो फिर हम क्या पूछे प्रश्न तो चुप हो गए बोले जी आप इतने बड़े ऋषि हैं भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं आप कोई भी क्रिया ऐसे तो करते नहीं इसके पीछे कोई कारण होगा बताइए क्या कारण है तो बोले देखो मैंने तीन बार बोला जय कलयुगा जय कलयुगा जय कलुग पहला कारण है ये कलयुग स्त्रियों के लिए बड़ा मुख्य है किसके लिए मुख्य है स्त्रियों के लिए बड़ा मुख्य है उन्होंने कहा यहां पर स्त्री जो होगी वो बड़ी ग्लोरियस होगी बड़ी महिमा मंडित हो जाएगी स्त्री कलयुग के अंदर क्यों हो जाएगी इसलिए नहीं कि वुमेन सोसाइटी बना लेगी अपना झंडा लेके खड़ी कर देगी लीडर बन जाएगी देश की लीडर बन जाएगी इसलिए नहीं इसलिए कि अगर कलयुग में स्त्री अपने पुरुष की ध्यानपूर्वक सेवा करती है और अपने पति को अपना सर्वेश्वर मानती है तो पति के द्वारा किया गया भजन उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा उसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मान लो पति ने दीक्षा ली और पत्नी ने नहीं ली लेकिन पत्नी पति की दीक्षा भजन में सेवा करती है तो पत्नी ऑटोमेटिकली दीक्षित हो जाएगी वो भजन करता है उसको अपने आप भजन का फल मिलेगा ये भागवत में लिखा है कि जो पत्नी स्त्री अपने पति को पूर्ण रूपे समर्पित होती है उसके भजन धर्म कार्य कराने में वो अपने मृत्यु के बाद वैकुंठ में अपने धाम को प्राप्त कर लेती है ये भागवत का वचन वैकुंठ प्राप्त कर लेती है ये ये खाली इतनी कलयुक्का है द्वापर में नहीं होता था ऐसा त्रेता में नहीं होता था क्यों नहीं होता था बोले वहां यह नियम देने की जरूरत नहीं थी वहां स्वतः रूप से पत्नी सेवा करती थी <laughs> कलयुग में करती नहीं इसलिए कहना पड़ता है इसलिए स्पेशल है और क्या है तो वेद व्यास कहते हैं दूसरा जय कलयुग मैंने कहा कि जो भी शिष्य अपने गुरु की निंदा से बच करके अपने गुरु की सेवा कर सकेगा तो वो शिष्य भले ही भक्ति में निकृष्ट हो लेकिन गुरु के उत्कृष्ट होने के कारण वो अपने आप ही वैकुंठ को प्राप्त कर लेगा क्योंकि गुरु जी अच्छे थे आपका जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद कोई इमोशनल चीज नहीं है प्रभुपाद के शुद्ध भक्त होने के कारण आप जब जय प्रभुपाद कहेंगे तो क्योंकि प्रभुपाद जी को कृष्ण ने स्वीकार किया तो आपको स्वतः रूप से कृष्ण स्वीकार करेंगे आप कहेंगे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं जब विभीषण भगवान राम की शरण ग्रहण करने आए तो उनके पीछे चार असुर चल रहे थे जिनके अंदर कोई भक्ति नहीं थी राम की लेकिन क्योंकि विभीषण को राम ने स्वीकार किया तो जामवंत दादी ने पूछा इन चार असुरों का क्या होगा बोले जब विभीषण को स्वीकार किया है तो इसका अनुगमन करने वाले इसके अनुगत शिष्यों को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा तो अगर आप प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के नियमों को पालन करते हैं जैसा प्रभुपाद ने बताया दास 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 अनुदास इसको पालन करते हैं तो आप स्वतः ही वैकुंठ को चले भले आपकी भक्ति में कोई कमी भी हो कोई कमी भी हो भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं ओम पूर्णमेदम भगवान पूर्ण है वो आपको आकर पूर्ण कंप्लीट कर देंगे जटायु के पास कोई भक्ति नहीं थी राम ने पूर्ण कर दी सेवा के भाव से प्रेम के भाव से और तीसरा क्या कारण है बोले मैंने जय कलु का इसलिए कहा क्योंकि गलियुग इतना इतना सुंदर है कहते हैं कले दोषे निधे राजन हे राजन हे परीक्षित इस कलयुग में दोषों का समुद्र है सागर है जहां देखोगे वहां त्रुटि त्रुटि है कोई परफेक्ट नहीं मिलेगा आप सोच रहे हो ना अरे कोई परफेक्ट डिवोटी मिल जाए नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा कले दोषे निधे राजन यहां पर दोषी दोष है दृष्टि दोष की है तो दोषी दिखेगा कले दोषे निधे राजन लेकिन अस्थिये को महान गुणा एक महान गुण भी है कलयुग में क्या कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रजेत जो व्यक्ति कृष्ण कीर्तन में ध्यान से लग जाएगा उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी वेद ने कहा इन तीन कारणों के कारण मैंने क्या कहा जय कलियुगा जय कलियुगा जय कलियुगा इंद्र आदि वरुण भी आना चाहते हैं और आकर के देवता भी कलयुग का इंतजार करते हैं कब कलयुग आएगा हम भी उतरेंगे और केवल सरल विधि हरि नाम करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे अरे सतयुग में एक टांग पे खड़े रहो हवा खाओ और तपस्या करो तब जाकर ध्रुव को भगवान मिले त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करो में राक्षसों युद्ध करो धनुष बाण चलाओ फिर संपन्न हुआ नहीं हुआ आकर इंद्र घोड़ा लेके भाग गया पृथ्वी महाराज का कैसे होगा बोले ये त्रेता में यज्ञ करना हमारे बस की बात नहीं बोले द्वापर में परिचार्या करो भगवान को वस्त्र आभूषण चढ़ाओ बोले ये भी हमारे बस की बात नहीं तो बोले देवता कहते हैं बस अब तो एक ही रास्ता दिखता है कलयुग हाथ में माला झोली ले लो और हरे कृष्ण मंत्र बोलो और धाम को एंट्री कर जाओ कोई टेंशन नहीं फ्री इजी बोले इसीलिए कलयुग में देवता भी जन्म लेना चाहते हैं कहते हैं वैदिक सिद्धांतों के अनुसार आगे श्री प्रभुपाद ने कहा उसे उस व्याकरण के शब्द जाल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती जिसमें मायावादी सन्यासी समानता लिप्त रहते हैं किसमें अब बड़े सुनने वाली बात है व्याकरण के शब्द जाल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कई बार लोग सोचते हैं जो ज्यादा व्याकरण बोल रहा है ये ज्यादा ज्ञानी है और जो ज्ञानी है यही सही है जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है जो व्याकरण बोल रहा है वो सही है बहुत सारे ऐसे आपको संस्कृत के टीचर मिल जाएंगे जो मांस खाते हैं तो व्याकरण बोलने से क्या वो भक्त हो गए तो व्याकरण भक्ति की विधि नहीं है भक्ति की विधि तो भावना है शरणागति है जिसमें मायावाद सन्यासी समानता लिप्त रहते हैं श्री शंकराचार्य ने भी इस बात पर बल दिया ना ही ना ही रक्षति डोकर करने ये व्याकरण आपकी अंत काल में रक्षा नहीं कर सकती है व्याकरण का शब्द जाल रचने वाले लोग उस भक्त को मोहग्रस्त नहीं कर सकते जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में लगा रहता है जो हरे कृष्ण जपता है इसको कोई मायावादी अपने रास्ते से हटा नहीं सकता अपने ज्ञान की बातें बता करके बड़े सब समझदार समझदार कथावाचक बैठे हुए हैं लोग उनको सुन रहे हैं अब क्या ही बताऊं मैं नाम वरना वीडियो कट करके भेज देंगे आपने क्यों बोला लेकिन सच्चाई में आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा आप तो सोचेंगे हम अच्छा सुन रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी लेकिन जिसे सिद्धांत मालूम पड़ कि गड़बड़ एक स्वामी जी हैं बड़े पॉपुलर हैं आजकल वो बोलते हैं आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है कहते हैं सबके शरीर में भगवान ने एक शीशा लगा के दिया है और जब मृत्यु आ जाती है तो उस समय शीशा टूट जाता है और भगवान जो है जब तक शरीर में शीशा है जैसे आप मिरर के सामने खड़ो तो आपका प्रतिबिंब दिखता है बोले इसलिए भगवान को कहते हैं हमारे हृदय में भगवान रहते हैं हृदय में शीशा लगा हुआ है शीशा लगा सिद्धांत है और वो बड़े पॉपुलर हैं लोग जा रहे हैं भंडारा खाने जा रहे हैं महाराज जी से फ़ोटो खिंचा रहे मिल रहे हैं तो हमारे एक भक्त हैं वो उन्हीं महाराज जी के पास गए थे तो बाद में वो हमारे डिवोटी बने और अभी वो रहते हैं अभी हम लोग गए थे जोधपुर में एक प्रोग्राम के लिए तो वो रहते हैं उन्होंने बताया कि वो पहले वृंदावन आए थे गुरु जी को ढूंढने कि कोई गुरु जी मिल जाए हमारे जीवन में जो कि हमें सही रास्ता पर दिखा सके तो उन्होंने सबसे पहले उन्हीं के पास गए जो शीशा दिखा रहे थे आत्मा की जगह बड़े अच्छा लगा उनको कि बड़ा डांस है गाना है बड़ा आश्रम है गौशाला भी है सब कुछ दिखाया भंडारा भी है गरीबों की सेवा भी है शॉल भी बांट रहे कंबल भी बाट रहे बड़े दयावान है बड़े प्रसन्न हो गए फिर क्या हुआ थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि वो गुरु जो थे उन प्यास लग गई उनको जल और जल की कामना से उन्होंने क्या किया बोले पानी पिएएंगे अभी तो कथा के बीच में एक कपड़ा लगाया गया ऐसे ऐसे और ऐसे चार भक्त आए उन्होंने कहा अब गुरु जी पानी पी रहे हैं अब पानी तो नाम है अंदर क्या वजह जैसे अभी पसीना आ रहा है ना तो उनको पसीना आ गया था तो उनका मेकअप मैन आया उसने पसीना हटाया फिर फाउंडेशन लेकर के उनके मुंह पर लगाया और फिर उनका सारा आईलाइनर और बाल और वो सब सेट किया और वो सब करने के बाद फिर पर्दा हटाया गया बोले अभी गुरुजी ने पानी पी लिया है तो बोले हमने जब ये देखा वो भक्त बोले साइड से हम साइड में बैठे थे कि हम वीआईपी थे तो हम ऊपर थे हमने जब ये देखा तो हमारा मन उनसे उतर गया बोले ये क्या है जो खुद अपने शरीर के भान में है वो आपको आत्म कर करवाएगा नहीं हो सकता तो ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है बोले फिर हम छोड़कर दूसरी जगह चले गए उनके आश्रम में वृंदावन में बहुत बड़ा आश्रम इतना सुंदर देख के लगता है ये तो स्वर्ग है ये तो वैकुंठ है वहां चले गए पत्थरों का बना हुआ प्रवचन सुनने बैठे तो बोले फिर हमने दूसरे ढूंढे वृंदावन में एक ही दिन में ये कार्य हो रहा है दूसरे ढूंढे तो दूसरे ढूंढ करके बोले हमने ढूंढा तो पता चला कि वो जो प्रवचन दे रहे हैं वो एक दो घंटे में उन्होंने एक बार भी किसी भी प्रमाणिक शास्त्र की बात नहीं करी ना पद्म पुराण भागव। कथा भागवत कथा आयोजन और अंदर चल रहा है देश में होता अपने रूम में और सर्च करने लग गए अभी कोई मिल जाए कोई मिल जाए कोई मिल जाए तो उनको हमारे द्वारका के भक्तों के वीडियो मिल गए वो सुनते सुनते उनका परिवर्तन हो गया और अब वो तीन साल से हरे कृष्णा जप रहे हैं तो ये कैसे हो गया क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के भक्त जो हैं, वो सादा जीवन ऊंचा विचार सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ज्यादा हम दिखावे में जीवन नहीं जीते हैं सिंपल रहते हैं भक्त लोग कहीं भी खा लेंगे कहीं भी बैठ जाएंगे तभी हरि नाम कर सकते हैं लेकिन समाज के लोग जब आप कथा करने जाओ तो पूछेंगे आपकी की कौन सी कथा है मैं कहा हम तो रोज करते हैं चालीस साल की उम्र है चालीस साल हो गए बीस साल से जुड़े तो बीस साल हो गए कथा कथा का नंबर भी भौतिक है दो सौवीं कथा दो सौ एकवी कथा इससे क्या होगा ये कोई राशन की दुकान है नंबर क्यों लिखे जा रहे हैं क्योंकि भौतिक संसार में आयोजन के अंदर महिमा मंडित करना है उन चीजों को जो दिखावा है भक्ति तो है ही नहीं भागवत श्रवण करने के बाद सात दिन बाद निकलता कोई व्यक्ति से पूछो क्या आप जब करते हैं कह कर रहे ये क्या होता है और भागवत का अंतिम श्लोक तेरवा जो अध्याय है बारहवें स्कंद का उसका अंतिम श्लोक भागवत पूर्ण कहाँ होता है वो है नाम संकीर्तनम प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम अब किसी भी व्यक्ति जो भागवत सुनकर आया हो उससे प्रश्न पूछना चाहिए क्या आपके जो महाराज थे या स्वामी जी थे क्या उन्होंने आपको नाम की महिमा बताई अगर नहीं बताई तो उन्होंने केवल अपने वक्त को अपव्यय किया है श्रम एवं केवलम श्रम व्यस्ट हो गया व्याकरण के शब्द जाल में मत फस कि बड़े सुंदर सुंदर शब्द बता रहे हैं हरि नाम नहीं है तो उस व्याकरण का कोई फायदा नहीं अंत में आपको व्याकरण नहीं क्या बचाएगा हरि नाम बचाएगा भगवान की शक्ति के हरे और स्वयं भगवान कृष्ण को संबोधित करना है इस तरह राधा तथा कृष्ण को संबोधित करने से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर सकता है अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जपता है तो कोई व्यक्ति बोले मैं चैंटिंग तो कर रहा हूं प्रभु जी कोई सेवा नहीं है मेरे पास यहाँ क्या लिखा है ध्यान से प्रभुपा जी के परपट को एक एक लाइन को सौ तो सौ बार पढ़ो ऐसे मत करो हमने पढ़ लिया भागवत कंप्लीट है गीता कंप्लीट है सुनो इस तरह राधा तथा कृष्ण को संबोधित करने से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है डायरेक्ट सर्विस टू कृष्णा क्या हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम तो फिर उसको साधारण समझना जब को भगवान की ये प्रत्यक्ष सेवा मिली है हर आदमी को जब करना भगवान की प्रत्यक्ष सेवा डायरेक्ट सर्विस टू कृष्णा यह दिव्य ध्वनि बद्ध जीवों को पूरी तरह मुक्त करके उसे सीधा भगवान की सेवा में लगा देती है डायरेक्ट लगा देती है उठा के श्री चेतन महाप्रभु ने अपने आप को महामूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया फिर भी उनका दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने अपने गुरु से कुछ भी सुना था तो वह श्रीमद भागवत में व्यास देव द्वारा कहे गए सिद्धांतों के अनुसार था उन्होंने कहा जीव के भौतिक दुख जो उसके लिए आवश्यक नहीं है भक्ति की विधि द्वारा दूर किए जा सकते हैं किंतु अधिकांश लोग इसे नहीं जानते इसलिए विद्वान व्यास देव ने परम सत्य विषय वैदिक सिद्धांत भागवत का संकलन किया क्यों किया क्योंकि लोग सोचते हैं दुख दूर करने के लिए मंगल की पूजा कराओ ये हरि नाम से कुछ नहीं होगा ओ मंगलाय नमः बोले जी आप मंगल है आपका मंगल भारी है मंदिर जाइए मंगल की सेवा करिए मंगल के जाप करिए एक हजार आठ जाप करेंगे तो आपका मंगल वरना आपको मार्केश लगाए आपकी तुरंत अष्टम भाव में मृत्यु होने वाली है है ना वो कह रहे हैं अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योगम विद्वान सा, सात्वताम सहिताम लोग नहीं जानते हैं इसकी महत्वता इसीलिए वेद व्यास जी ने भागवत का संकलन किया कि भागवत पढ़ो अठारह पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद भागवत पुराण और फिर ये जानो कि हरि नाम ही सब कुछ है अपने जीवन को मत लगाओ इससे कि हम जो है शनि भारी है तो शनि पर तेल चढ़ाने चल दिए ओम शनिश्राय नमः लिखा होता है मंत्र देवता लोग भी उसी को परेशान करते हैं जो भगवान से विमुख है जो भगवान की उन्मुख है उसको कोई देवता स्पर्श नहीं कर सकता न क्रूर न सम न बहरी न मित्र कोई ग्रह उसको परेशान नहीं करेगा कुछ परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो भगवान के विमुख नहीं उन्मुख हो चुका है भगवान के उन्मुख होने वाला व्यक्ति से दुनिया के देवता डरते हैं भगवान नरसिंह के से देवता डर रहे थे सारे ग्रह खड़े थे नवग्रह सारे भोले बाबा गणेश जी दुर्गा जी पार्वती सब खड़े होकर स्तुति कर रहे थे शांत हो जाइए नरसिंह शांत हो जाइए ब्रह्मा ने आकर स्तुति करी नरसिंह हाँ। तो ब्रह्मा जी ऐसे करके बोले बोलेंगे ऐसा श्राप दिया तूने ऐसा वरदान दिया ये वरदान है कि श्राप है इसके लिए मुझे देख कैसा रूप लेना लगा तो वो डांट देंगे इसलिए भाग घबरा के भाग गए फिर थोड़ी देर बाद शिवजी आ स्तुति करने लग गए स्तुति करी शिवजी ने हाँ तो शिवजी भी घबरा गए शिवजी बोले लग रहा है अभी एक हाथ हाथ मार देंगे कि अगर ब्रह्मा नहीं समझा पाया तुम तो समझदार हो वैष्णव हो परम वैष्णव हो तुम भी नहीं आए प्रहलाद के बीच में तुमने भी गड़बड़ करवाया गणपति सब घबराए हुए सब बोले लक्ष्मी जी आप जाओ आगे लक्ष्मी मरना है पति जब क्रोध में हो तो पत्नी को चुप रहना चाहिए वरना घर का टूटना वहां पर जरूरी हो जाता है तो पति पत्नी को ऐसे बैलेंस करना चाहिए एक क्रोधी हो तो दूसरे को शांत होना चाहिए दोनों क्रोध करेंगे तो फिर अलग अलग रहेंगे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ग्रस्त जीवन मीन्स कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर तो उन्होंने घबरा गए लेकिन प्रहलाद दौड़ करके गोदी में बैठ गए प्रहलाद को डर नहीं लग रहा है क्यों नहीं लग रहा है प्रहलाद कह रहे हैं कि शेर जो होता है उसे सारे जंगल के पशु घबराते हैं लेकिन शेर का जो बच्चा होता है क्या वो अपने पिता से घबराता है शेर से वो जाकर शेर के नीचे आगे पीछे पैरों में घूमता रहता है तो प्रहलाद बोले हम तो भगवान कृष्ण के बच्चे हैं उनके अंश हैं हम क्यों घबराएंगे जाकर बैठ गए गोदी में और तुरंत भगवान उनको चाटने लगे क्यों घबरा तो इसीलिए लोग घबराए हुए संसार में घबराओ मत आप भगवान के बच्चे हो मां मे वंश जीवलोके जीव, जीव भूत सनातन इस सनातन पृथ्वी पे सब तो मेरे अंश हैं तो अंश घबरा रहा है अपने भगवान अपने पिता से भगवान कह रहे अहम बीज बीज प्रधा पिता 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 मैं तुम्हारा प्रदान करने वाला पिता हूं कौन सा बच्चा है जो अपने पिता से घबरा रहा है जिसका संबंध नहीं है कई बार होते हैं ना लोग पूछो आप अपने पिताजी से बातचीत नहीं करते हमारा तो संबंध नहीं है है कि नहीं तो आप भगवान से घबरा रहे हैं और देवताओं की शरण में जा रहे हैं क्योंकि आपका भगवान से संबंध नहीं है कैसे होगा हरि नाम जपने मात्र से संबंध पुनः स्थापित हो सकता है दोबारा आगे कहते हैं कि भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारी गलत धारणाओं से एवं भौतिक जगत की उलझनों से बच सकता है श्रीमद् भागवत प्रदान इसीलिए किया गया जिससे बद्ध जीव माया के बंधन से छुटकारा पा सके श्री चैतन महाप्रभु के गुरु ने उन्हें आदेश दिया था मनुष्य को नियमित रूप से समीक्षा करते हुए श्रीमद भागवत पढ़ना चाहिए किसने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपने से नियमित रूप से जिसे वह धीरे धीरे हरे कृष्ण के कीर्तन में अनुरक्त हो सके कई बार लोग बोलते हैं जब कलयुग की विधि नाम संकीर्तन है तो भागवत क्यों पढ़े तो ये उत्तर श्रीमत श्री चैतन्य चृत के आदि लीला सातवां अध्याय तिहत्तर नंबर श्लोक के तात्पर्य में दे रहे हैं मनुष्य को नियमित रूप से समीक्षा करते हुए श्रीमद भागवत पढ़ना चाहिए क्यों जिससे वे धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में अनुरक्त हो सके चैंटिंग करने का जो अटैचमेंट है यह भागवत श्रवण और अध्ययन से ही आएगा वरना नाम घिसना होगा नाम जपना नहीं होगा जपने और घिसने में भेद है हम लोग जपते हैं कि घिसते हैं घिसते हैं। वैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण अरे कृष्ण अरे कृष्ण हरे 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 yup. राम हरे राम 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 हरे फिर धीरे धीरे हरे कृष्ण हरे किस 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 हरे हरे राम किस 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 हरे घिस 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 और घिस और घिस 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 भगवान कह रहे बहुत घिस रहा है कुछ नहीं मिलेगा तुझे कुछ लोग कहते हैं हिस 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 अरे हिस 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 अरे हिस 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 किसकी ध्वनि है सांप की तो अगला जन्म भगवान इतना पुकारा है इसने रात दिन ले प्रभु तथास्थ सर हो सर्प योनि तो क्या पाना है आपको इसलिए बोल रहे ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे प्रेम भजताम प्रीतिपूर्वकम ये कोई ड्यूटी नहीं है हरे कृष्ण वो नहीं है दिस इज नॉट अ ड्यूटी कि नौकरी बजानी है दो घंटे की हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हो गया हाँ सुनी खत्म हुआ आज का कलेश भगवान से मीटिंग है हम इसे क्लेश समझ के बैठे हैं फिर कैसे होगा कई लोग तो बुरा भला भी बोलते हैं भक्तों को कहते हैं वो प्रभु जी मिल जाए ना छोडूंगा नहीं मैं आया था अच्छा खासा गोविंदा का लड्डू खाने माला पकड़ा दी। और भगवान के सामने ले गए मैं कुछ बोल नहीं सका बोले बोलो नियम लो कि दो माला रोज करोगे मैंने भी कह दिया हाँ करूँगा अब भगवान के आगे बोल के आया तो करनी पड़ रही है वो मिल जाए ना मैं छोड़ू नहीं उसको ऐसा तो नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति ने कितनी कृपा करी आपको ब्रह्मांड भमिते कोन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पावे भक्ति लता बीज इस भक्ति का बीज आपको दे दिया हरिनाम संकीर्तन और आप दो उसको बददुआएं दे रहे हो मर जाए इसने हरिनाम दिया गिर जाए कट जाए हरिनाम देख के घर बिगाड़ दिया हमारा क्लेश करा दिया हमारे घर में ऐसे लोग बोल रहे हैं भक्तों को आगे बताते हैं भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है जो माया मनुष्य माया मनुष्य के बंधन से पूर्ण रूप मुक्त होता है वह इस तत्व को समझता है कौन समझेगा अब ये उत्तर देखो कितना इंपॉर्टेंट परपज होते हैं मैं सोचता हूं कि भक्तों को ना ऐसे भाग दौड़ करनी चाहिए धीरे तो धीरे पढ़ो एक श्लोक भी पढ़ो इसका मीनिंग समझो जो मनुष्य माया के बंधन से पूर्ण रूपेण मुक्त है वह इस तत्व को समझता है किस तत्व को कि भगवान के पवित्र नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है अगर वो मुक्त होगा तभी समझेगा वरना समझेगा ही नहीं कितना ही आप समझा लो नहीं क्योंकि उसके ऊपर माया का पाप का आवरण है यह ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और इसके कारण मनुष्य सर्वपरिदिव्य पद को प्राप्त होता है चेतन महाप्रभु ने आप अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया क्योंकि अपने गुरु की शरण में जाने के पूर्व यह नहीं जानते थे क्या नहीं जानते थे भगवान है फिर वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं लेकिन ये शिक्षा देने के लिए कि कितने भी ज्ञानी हो महाराज लेकिन अपने गुरुजनों के सामने वैष्णवों के सामने अपने को मूर्ख ही मानना बेहतर है वरना भगवान कहते बहुत बोल रहा है भगवान ही तो बैठे मन में सर्वस्व चाहम हृदय मत स्मृति ज्ञानम अपोनम चाह विस्मृति हो जाएगी आपको विस्मृति हो जाएगी आप कोशिश करोगे आ जाए मुझे वो बात आप अपने ज्ञान को भूल जाओगे एक बार एक हमारे एक भक्त मिले थे बेचारे नाम शुरू किए थे लेकिन उनका ज्यादा विश्वास नहीं था सारे कर्म कांड करते थे तो एक बार मतलब सिद्धांत तो वैसे बहुत दर्दनाक है लेकिन समझाने के लिए समझना चाहिए उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया रोड पर बस से और वो फोर्थ ईयर एमबीबीएस कर रहा था पांचवा साल होने वाला था डॉक्टर बनने की दुआई बद, उनकी ट्रेनिंग चालू हो गई थी इंटर्नशिप वो जा रहा था रोड पे कॉलेज के लिए इधर से बस आई और उसने इधर देखा इधर नहीं देखा टकराया बैंग हुआ रोड पे मरा नहीं, नहीं बेहोश हो गया तो उठाकर हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ब्रेन डेड हो गया ब्रेन डेड हो गया बोले ब्रेन डेड में तो मर जाएंगे बोले नहीं अभी टाइम है जब तक ब्लीडिंग चल रही है ब्रेन को निकाल लेंगे तो बच जाएगा तो ये पूरा ऑपरेशन करके इसको खोला गया और ब्रेन को बाहर निकाल के रख दिया एक कंपार्टमेंट में जिसमें यहाँ पर सैरीबुलम फ्लूड होता है ना फ्लूड में रखा गया उसको और फ्लूड में रख कर के उसको पूरा पूरा फ्लूड में रख कर के उसके ब्रेन को साइड रख दिया गया अब पूरा उनका इलाज चलता रहा इलाज चल रहा है उनका अब उन्होंने कहा जब तक ये ब्रेन वापस एक्टिव होगा इसमें स्पार्क देने पड़ेंगे तब तक के लिए कवर कर देते हैं तो बिना ब्रेन के ब्रेनलेस अपने घर को भेज दिया तो ये दबाव तो यहाँ पर स्कल में छेद दिखते थे तो उनके पिताजी बड़े दुखी थे कैसे किया जाए अब घर आए तो उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है बोला ऐ बोल गया चार साल एमबीबीएस गायब बारहवीं क्लास तक की एजुकेशन सब गायब सब डिलीट होता है ना मेमोरी में सेव नहीं गया तो डिलीट हो जाता है सब डिलीट हो गया एक धम से गिरे सब तो मैं कई बार सोचता हूँ ये सोचना चाहिए हम सब भक्तों को कि भगवान की इच्छा है जो हम रोज सुबह याद रहता है कि माला जपनी है वरना टकरा गए कहीं और भूल गए तो हो गया, गड़ा, गया तो अभी कुछ चार पांच साल बाद मैं उनसे फिर मिला तो उन्होंने बताया अब दसवीं तक का ज्ञान उसका आ गया टेन तक की रिवाइव कर ली है ब्रेन दसवीं तक का उसको याद है नाम लिख लेता है इंग्लिश पढ़ लेता है टेन तक की नॉलेज रिवाइव ट्वेल्थ की और एम के चार साल वो वेस्ट हो गए वो याद नहीं आया मेमोरी लॉस तो ये है टेक्निकल भगवान ने ये विज्ञान रूपी शरीर बनाया है न जाने कब छूट जाए कब हो जाए क्या हो जाए मालूम नहीं ऐसा हो सकता है है ना? तो एक बार एक भक्त थे वो हरि नाम संकीर्तन करते थे और गीता पढ़ा करते थे लेकिन उनको लगा यहाँ पे ना मंदिर में सब लोग सही रूप से सेवा नहीं करते और एकदम ऐसा हो गया है कि यहाँ पर ना लोग मेरे साथ एक्सप्लेटेशन कर रहे हैं अधिक सेवा दे रहे हैं तो उसने मंदिर छोड़ दिया मंदिर छोड़कर चला गया मंदिर से बाहर जा रहा था तो एक गाड़ी आई उससे टक्कर खा गया टक्कर खाई तो रोड पर गिरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं था बस गिरते ही उसकी मेमोरी गायब हो गई तो भक्त जाकर के उसे उठा लाए उठा लाए तो अब उससे पूछा क्या हुआ था है? क्या हुआ था गायब। बोले अब ये तो भक्त था गिर गया ऐसे सब भूल गया ये तो गड़बड़ हो गई क्या करा जाए तो उसको सेवा सिखाई गई कुकिंग करने की बोले ये सीख लेगा उसका समझा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे डालो ऐसे दे दो आ, इतना करने लगा एक दिन सेवा करते करते आटे का डब्बा उठा रहा था तो ढंग से उसके ऊपर गिर गया गिरा तो कहता है हरे राम हरे राम हरे राम एवं केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नाश्तेव गति रहने था उसका स्मरण आ गया न, गिरने से भूला था और गिर चोट लगने से फिर स्मरण आ गया उसको तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का विनाश होने नहीं देता हूँ नमे भक्त्या प्रणश्यति फिर हम भगवान के भरोसे ना होकर सोचे मैं जप कर रहा हूँ प्रभु जी आजकल मेरी बढ़िया चल रहा है सुबह उठ जाता हूं मंगल आरती करता हूं जपा अरे आप थोड़ी कर रहे हो वो चाह रहे करो तो करवा रहे वरना ऐसी व्याधि उत्पन्न कर देंगे भी नहीं कर पाओगे वो चाहेंगे तो भजन होता है तो इसलिए भजन अगर हो रहा है तो ये उनकी अहत की कृपा है ठाकुर जी की की कृष्ण श्री चेतन महाप्रभु क्योंकि जो ही वह अपने गुरु के आगेकारी दास बन गए और उनके उपदेशों का पालन करने लगे त्यों ही उन्हें तुरंत ही मुक्ति का मार्ग दिख गया श्री चेतन महाप्रभु द्वारा दिए गए जाने वाले हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन समय अपराधों से रहित समझना समझा जाना चाहिए तब दस अपराध प्रभु जी बता रहे हैं इनसे रहित होकर के हमको भजन करना चाहिए टेन होली ऑफेंसेस भगवान के नाम में होने वाले दस अपराध कौन कौन से हैं पहला है भगवान के भक्तों की फिर भी करते हैं भर भर के करते हैं त्रुटि देखते हैं लिख लिख करके करते हैं मैसेज में करते हैं ईमेल में करते हैं फिर नाम कैसे कृपा करेगा दूसरा भगवान तथा देवताओं के समान स्तर तक मानना और उनको सोचना कि ये भगवान के बराबर हैं ये भी एक और भगवान के भक्त जो हैं वैष्णव शिवजी आदि जितने देवता हैं इनकी निंदा करना भी वैष्णव अपराध उनके बराबर समझना भी अपराध है और ये बोल लेना है शिवजी विजी कुछ नहीं है ये बोलना भी अपराध है नए भक्तों को गड़बड़ हो जाती है वो सोचते हैं कृष्णा तो है लेकिन बाकियों को हमें निंदा करना नहीं, नहीं। वो बहुत बड़े वैष्णव है वैष्णव नाम याम शंभु शिव जी की निंदा नहीं समान भी नहीं मानना है पर निंदा भी नहीं करनी है एक दिन एक भक्त बता रहे थे बोले आप बोलते हो इंद्र में बुद्धि नहीं है इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया इंद्र ने ऐसा किया भगवान ने ऐसा किया उसके साथ इंद्र ये किया इंद्र कैसे तो बोले पता चला कि आपको स्वर्ग जाना पड़े मृत्यु के बाद तो इंद्र का जीवन तो बहुत लंबा है और आपके सौ साल है तो इंद्र कहेगा आजा बेटा तू ही था ना लेक्चर दे रहा था इंद्र ये इंद्र वो तो सोच समझ कर देवता भी पकड़ लेंगे तो इसलिए देवता भगवान के बराबर नहीं है लेकिन उनके उत्कृष्ट दास है यह सोच करके उनका निंदा नहीं करना चाहिए तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उन्हें साधारण मनुष्य मानना गुरु जी की आज्ञा को कभी भी टालना नहीं चाहिए वैष्णवों की आज्ञा नहीं टालनी चाहिए शास्त्रों के प्रमाणों की उपेक्षा करना निंदा करना लिखा है ऐसा कैसे लिख दिया भागवत में ऐसा कैसे यह नहीं बोलना कभी भी गीता में ऐसा कैसे लिख दिया ऐसे भगवान क्यों बोल रहे कभी नहीं कहना चाहिए आप नहीं समझ पा रहे क्योंकि आप पर अभी उतनी कृपा नहीं है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा यह तो ठीक है लेकिन यह बोल देना भगवान ने कैसे लिख दिया ऐसा थोड़ी तो होता है तुम तो भगवान से ज्यादा ज्ञानी हो वेद व्यास से ज्यादा ज्ञानी हो तो इसीलिए यह बात करना अपराध है भगवान के पवित्र नाम के मन माने अर्थ निकालना हरे कृष्ण महामंत्र के अर्थ निकालना कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना इसको आप जपिए लक्ष्मी नारायण की ऐसी कृपा होगी लक्ष्मी से घर भर जाएगा यह है हरे कृष्ण का फल तो इस तरह से कई लोग प्रीचिंग करते हैं बोले आप हरे कृष्ण जपिए आपकी जॉब नहीं है जॉब लग जाएगी आप बीमार हो आप हरे कृष्ण जपो बीमारी ठीक हो जाएगी ये बात तो ठीक है कि हरि नाम करने से ठाकुर जी कृपा करेंगे लेकिन कृपा करने के बहाने हरि नाम जपना यह तो कर्मकांड हो गया ये तो कर्मकांड हो गया ना मंगल हटाने के लिए मंगल का मंत्र बीमारी हटाने के लिए महामंत्र महामंत्र करते रहो भगवान कृपा करेंगे ये तो ठीक है लेकिन ये सोचना कि बीमारी ठीक करने के लिए दो माला जप लो ये कर्म कांड हो गया क्योंकि मैं फल की अभिलाषा से जप रहा हूं ये कर्म मिश्रित भक्ति है कर्म फल की इच्छा से करी गई कर्म मिश्रित भक्ति तो चैंटिंग करना केवल एक ही अर्थ है कृष्ण प्रेम प्राप्ति तो बोलते हैं अगर कोई बीमार हो तो उसके लिए बोलते हैं आप सब लोग उनके लिए प्रार्थना करिए तो कौन सी प्रार्थना करें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए नरसिंह आरती नरसिंह कवच जो कि रक्षा करते हैं और गजेंद्र मोक्ष नहीं करना चाहिए कई बार एक व्यक्ति बोला गजेंद्र मोक्ष करना चाहिए गजेंद्र मोक्ष उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपनी मृत्यु से अंतिम समय में लड़ रहा हो है ना जैसे गजेंद्र एक हजार वर्षो तक दिव्य वर्षों तक उस ग्रह के साथ युद्ध करता रहा तो कई बार ऐसा होता है कि बीमार हैं वेंटिलेटर पे हैं कई महीने निकल गए ना इधर के हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं समझ डॉक्टर भी कह रहे हैं करें तो क्या करें उसके लिए गजेंद्र मोक्ष पढ़ा जा सकता है कि अब इसकी मृत्यु अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा इसके शरीर के लिए किसी स्वस्थ के लिए जो ठीक हो सकता है आपने गजेंद्र मोक्ष पढ़ दिया पता चला वो हो और ही मोक्ष नहीं कराना उसका उसके लिए नर्सिंग कवच पढ़ा जाता है ना नर्सिंग कवच पढ़ा जाता है उनके लिए तो नरसिंह मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपा जाता शिल प्रभुपाल लिखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र एक शेर के समान है जिससे चूहे का शिकार नहीं किया जाता अगर चोट लग गई है घुटने में तो माँ बोल रही है अरे मेरे बेटे के लग गई है भगवान रक्षा करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे अब इसको उसने इसलिए जपा कि भगवान ही तो सर्वे सर्वा है सिया राम सकल जगमा ही और मेरा पुत्र पर कृपा करो वो तो ठीक है लेकिन इसलिए जब हि चोट ठीक हो जाए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 ठीक हो जाए ठीक हो जाए जैसी ठीक हो गई फिर लग गए फिल्मी गाने देखने तो फिर आपने उस मंत्र का इस्तेमाल किया केवल चोट ठीक करने के लिए तो ये ऐसे हो गया शेर का इस्तेमाल किया चूहा मारने के लिए चूहा तो पिंजड़े से भी पकड़ा जा सकता था हरि नाम का इस्तेमाल बीमारी के लिए या अन्य किसी भी भौतिक इच्छा के लिए करना मन माना अर्थ निकालना है कि नाम जपो पैसा आएगा नाम जपो नौकरी लगेगी नाम जपने से नौकरी लगेगी उसको बोलो तुम नाम जपो बाकी काम ठाकुर जी देख लेंगे ये तो ठीक है लेकिन नाम जपो इसके लिए यह कर्म कांड है उसमें ऐसे ही बोलते हैं वो शुक्र का मंत्र कर लो माला कर लो ये मंत्र कर लो ये गड़बड़ है ऐसा नहीं करना है तो ये अर्थ मन माने अर्थ निकालते हैं लोग ये अपराध है शिला प्रभुपा जी का एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है कि जब वो छोटे थे तो कलकत्ता में प्लेग फैल प्लेग फैल गया था चूहा की बीमारी और एक बाबा जी थे उन्होंने हरिनाम संकीर्तन करवाया तो उससे प्लेग दूर हो गया तो लोग बोलते हैं हरिनाम संकीर्तन करो ये दूर जाएगा उसमें नीचे जी उस लेटर में लिख रहे हैं उसी में पूरा पढ़ो उसमें लिख रहे हैं बट वो बाबा जी ने ऑफेंस किया होली नेम का ये नहीं पढ़ रहे उतना कट करके पेस्ट करके करे बेटे हरिनाम संकीर्तन करो सब जोड़ संकीर्तन ठीक करने के लिए नहीं करना संकीर्तन तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा अपने आप ठीक हो जाता है संकीर्तन करने से सब अपने आप ठीक हो जाता है यज्ञ भुगत भगवान है यज्ञ के भोक्ता है आप उनके लिए हरिनाम यज्ञ करोगे वो प्रसन्न हो जाएंगे लेकिन इस कामना से कि ये करने के लिए हरिनाम छठा है, है नाम जब के बल पर पाप करना नाम के बल पर पाप अब नाम पता चल गया है बड़ा शक्तिशाली है तो अब हम पाप कर सकते हैं अब हम रात को एक्स्ट्रा खाना खा सकते हैं हम एक्स्ट्रा बुराइयां कर सकते हैं हम एक्स्ट्रा लहसन प्याज की सब्जी खा सकते हैं है ना एक भक्त मुझे मिले मैंने कहा आप कभी तो कंठी में दिखते हैं और कभी कभी कंठी के बिना होते ऐसा क्यों क्या हुआ घर में कोई तकलीफ है कह रहे नहीं नहीं प्रभु जी कल रात को पार्टी में गए थे तो देरी हो गई सुबह पहनना याद नहीं रहा मंदिर आ गए मैं मतलब पार्टी में आ, पार्टी में उतार के जाते हैं ना किसने कहा बोले हमारे जो सिखाने वाले हैं उन्होंने सिखाया था जब भगवान की माला जपो तब कंठी पहन के जपना चाहिए भोग लगाओ तब कंठी पहन तो हमने मंदिर में टांग रखी है जब करते हैं तो बांध लेते हैं फिर भोग लगा देते हैं फिर उतार लेते हैं फिर पार्टी में चले जाते हैं मगर तो फिर वहां लेसन पे आ अच्छा वो तो खा लेते हैं ये चल रहा है इसको कंठी पहनना कंठी का मतलब है एक बार कंठ में आ गई तो अब इस कंठ के नीचे कुछ भी अभक्ष भोजन निकलने वाला नहीं है आई एम सरेंडर टू कृष्णा ये ऐसा पट्टा है कि अब मैं विष्णु का पालतू हो गया हूं आई एम पेट ऑफ कृष्णा पेट डॉग बन गया कृष्ण का गाय के गले में मानते ना ये मेरी गाय है तो बिकम अ गुड गाय अच्छे इंसान बनो गले में कंठी धारण करो और है श्रद्धा विहीन को भगवत नाम की महिमा का उपदेश देना जिसमें श्रद्धा नहीं है जो भक्ति नहीं सीखना चाहता उसके पीछे लठ लेके जबरदस्ती पड़ जाना कि सीख भाई भक्ति हम सिखाने हैं हमारा अवतर नहीं तेरे एक उद्धार के लिए वाह भक्ति सीख उसको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए नहीं सीखना चाहता तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए कि ठीक है यार हमने बहुत प्रयास किया अब इससे दूरी बना के रखना ही ठीक है क्योंकि अब ये समझने वाला है नहीं है इसको ज्यादा समझाएंगे तो महाभार तीर चल रहे होंगे आपके मंदिर के ऊपर बोले क्या हुआ बोले ज्यादा समझा रहा था हमको ज्यादा नहीं समझा थोड़ा सा बताया बोले हरि नाम जपिए तो यहां पर है श्रद्धा विहीन को भगवत नाम समझाना नहीं भगवत नाम की महिमा जो ये लेक्चर चल रहा है ना ये केवल उनको समझाना जो भक्त हैं बाहर जाकर के अपराध के लेक्चर नहीं दिए जाते दोगे तो अपराध हो जाएगा कोई ना कोई झगड़े हो जाएंगे भौतिक कर्म से भगवत नाम के जप की तुलना करना वो भी बताया भौतिक पुण्य से भगवान के नाम की तुलना करना भगवत नाम का जब करते समय सतर्क ना रहना और भगवत नाम जप करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना अब ये लोग सोचते हैं भौतिक आसक्ति बनाए रखना क्या है भगवत नाम जपते वक्त भौतिक आसक्ति आपके पूर्व जन्मों के फल हो सकते हैं कि आप धनवान परिवार में जन्म लिए आपने अच्छे कर्म किए थे आप धनवान परिवार में अब कह रहे हैं खुद रह रहा है एक कमरे के मकान में और दूसरा भक्त रह रहा है दस कमरे के मकान ये कह रहा है ये करेंगे भजन लिखा है भौतिक आसक्ति बनाए रखना दस कमरे का मकान है इनका भैया तुम क्यों सोच रहे है? उसके प्रारब्ध उसको प्राप्त हुआ है तुम्हारे प्राराभ से तुम्हें एक कमरा मिला तुम कंपेयर क्यों कर रहे हो ये सोचो वो दस कमरे में रहकर भी भजन कर रहा है और तुम एक कमरे में रहकर भी नहीं कर पा रहे हो ये सोचना चाहिए अरे वो तो उसको प्रारंभ से मिला है तो भौतिक आसक्ति बनाए रखना का मतलब क्या है क्या घर के एसी उखाड़ के फेंक दें घर के फ्रिज जो है उनको बंद करके फेंक दें घर के अंदर जो गाड़ी हमारे पिताजी माता जी की है उसको आग लगा दें घर की जो प्रॉपर्टी पिताजी ने बनाई थी उसको उखाड़ के फावड़े से खोद डालें क्या करें भौतिक आसक्ति बनाए रखने का मतलब है भौतिकता तो पूर्व जन्म से आई है बड़ा पद बड़ी प्रतिष्ठा बड़ा धन ये तो कर्म से मिल गया लेकिन अब एंडेवर करना एक मकान गुड़गांव में बना के रहूंगा एक नोएडा में बना लू एक और एक और ये बनाए रखना है आसक्ति आसक्ति तो है तो कर्म है पिछले जन्म से आ गई उसे काटना है ना कि बनाए रखना है तो ऐड करना उसको बनाए रखने के समान है एक मकान और एक मंजिल और दो घर और दे गाड़ी और दो बच्चे और ये भौतिक आसक्ति बनाए रखना है इच्छा आप घी जल रहा है और आग जल रही है उसमें घी डालोगे तो कभी रुकेगी कभी रुकेगी तो व्यक्ति ने प्रश्न किया हमारे भक्त ने कि अगर नाम जप करने से सारे पाप हट जाते हैं एक तरफ आप कहते हैं और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हम जो है नाम संकीर्तन सुन ही रहे हैं और साथ में हम जो है इस आग अग्नि जो इच्छाएं हैं इसका दमन करेंगे कैसे क्योंकि अग्नि तो जली रही है आसक्ति तो है ही है इस दमन दब भज भुझे, भुजेगी कैसे तो हरि नाम जपने से हरि नाम जपना पानी के समान है जो उस अग्नि पर जल डालकर उसकी वृष्टि करके उसको शांत कर देगा लेकिन आप उसमें घी डालेंगे अपनी इच्छाओं का तो वो अग्नि कभी बुझने वाली लोग यही गड़बड़ करते हैं नाम जब तो करते हैं थोड़ा सा ही घी डाल देते हैं पांच छह महीने में एक चम्मच घी जुर्र फिर जल जाती है वो फिर थोड़ा पानी डालने का जैसे मौका आता है वैराग उत्पन्न होता है फिर कोई निंदा चुगली कर दे फिर जल गई वो कभी भूजती नहीं है प्रभुपा जी ने कहा कि पंखा है उसका बटन ऑफ कर दिया तो पंखा धीरे 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 रुक जाएगा एक ना एक समय पर आप टुक चुक टुक चुक टुक चुक टुक चुक करते रहोगे तो रुकेगा कभी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कभी रुकेगा तो आपका ऑफ कर दिया थोड़ा सा बंद होने लगा तब तो आपको गर्मी लगी अपने फिर ऑन कर दिया उजुण, 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 उजुण। उजुण। फिर बंद टक 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 तब होगा तो हम यही करते हैं दो चार महीने भजन अच्छा हुआ नहीं हुआ कार्तिक पूर्णमाशी का इंतजार कर रहे हैं लोग कर कब आएगी बहुत दिन से नहीं खाया लेक्चर दे के छुड़वा दिया हमारा नौवीं का दिन इंतजार कर रहा हूँ बस आए पूर्णमाशी के अगले दिन प्रतिपदा को होगा महाभोज प्रभु जी आप इन्वाइटेड हैं बोल प्रभु जी भी जा रहे हैं हरि बोल कार्तिक पूर्णिमा अरे भाई कार्तिक दिया क्यों गया नियम दिए क्यों जाते हैं ताकि ये चेतना पूरा वर्ष बनी रहे पूरे साल बनी रहे ये जो हमने जमीन पे सोना ज्यादा नाम जपना शास्त्र पढ़ना कार्तिक में क्यों किया ताकि पूरा साल ये चेतना बनी रहे आपने अगर उसको केवल कार्तिक के फल के लिए किया तो ये कर्म कांड हो गया कर्म कांड नहीं हुआ कर्म की अभिलाषा फल की अभिलाषा से कर्म कर्म कांड होता है कर्मकांड कोई गलत चीज थोड़ी है उसमें फल की अभिलाषा है कार्तिक में करने से हजार गुना फल मिलता है हरी बोल करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण फिर अगले महीने अरे अब तो कार्तिक चला गया आप छोड़ो ना आप क्या करना इट मींस वो आप फल की अभिलाषा से ये कर्म कांड है भक्ति थोड़ी है भक्ति तो फिर निरंतर नितराम चलेगी हमेशा ठीक है हरे कृष्णा किसी का कोई प्रश्न एक या दो हाँ प्रभु हरे कृष्ण माइक है क्या हमारे पास नहीं है ओके माइक विहीन आप बताइए फल की अभिलाषा से नाम जप नहीं करना चाहिए हाँ हाँ कर लो हाँ हम्म फल मिल गया वही तो इसीलिए तो है ये श्रवण विधि सवर श्रवण करके सीखना है कि नाम जब करना है केवल परम लक्ष्य की प्राप्ति कृष्ण प्रेम के लिए आपका बच्चा बीमार है तो बैठकर नर्सिंग आरती गाइए नर्सिंग कवच करिए और हरि नाम करते रहिए निरंतर चैंटिंग करते रहिए इसलिए नहीं कि मुझे इसको ठीक करना है इसलिए कि प्रभु आपका प्रेम प्राप्त हो जाए मैं आपको भूल गया हूँ इसलिए संसार के दुख आ रहे हैं हर चीज़ के तीन कारण हैं एक होता है इमीजिएट कॉज यानी कि मान लो रोड पर जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया तो हम बोलेंगे अब देख के नहीं चलाता है तू चिल्लाएंगे ये इमीजिएट कारण ढूंढते किस कारण से ऐसा हुआ दूसरा कारण है सेकेंडरी रीजन सेकेंडरी रीजन है मेरे कर्म थे पिछले जन्म में मैंने उसकी गाड़ी में मारा था आज उसने मेरी गाड़ी में मार दिया कर्म कट गया कर्मफल तीसरा कारण है अगर मैं भगवान के धाम में ही होता अल्टीमेट कॉज और कभी उस धाम से नीचे ना गिरा होता अपनी इच्छाओं के कारण तो कभी यह होता तो कृष्ण भूलिया जीव भोगवान छा करे माया तारे शक्ति झपट या दे रे। माया शक्ति ने झपट लिया क्योंकि मैं कृष्ण भूल गया हूं तो यह चिंतन करना चाहिए कोई बीमार हो तो कि कृष्ण को क्यों भूल गया कृष्ण मुझे आपका सदा विस्मरण ना हो स्मरण बना रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण तब तो ठीक है पर बच्चा ठीक हो जाए हरे कृष्ण हरे कृष्ण जल्दी ठीक हो जाए हरे कृष्ण हरे कृष्ण मेरे घर में पैसा आए हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये तो फिर इच्छा है ये देगी तो लेकिन भक्ति नहीं दे पाएगी प्रेम नहीं मिलेगा कृष्ण रिजेक्ट कर देते हैं उस व्यक्ति को ये तो कामना वाला जबकि ध्रुव की कामना के साथ भजन जब ध्रुव ने किया और जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव गिल्टी हो गए आत्म ग्लानी से भर गए ये क्या किया मैंने मैंने क्या किया क्यों कामना के साथ ठाकुर जी का भजन किया मैंने और भगवान ने मेरी अंतर इच्छा समझ कर मुझे वरदान भी दे दिया छत्तीस हजार साल का राज्य तो अंदर से बड़े बेचैन हुए लिखा है न प्रियोह प्रीति नहीं हुई उनको आनंद नहीं आया भगवान से मिलकर आए हैं साक्षात दर्शन हुआ है लेकिन अंदर से आत्मग्लानी से भरे हैं ये मैंने क्या किया मैंने क्यों यूज किया अपनी शक्ति का अपनी इच्छाओं का भगवान को पाने के लिए कल कामना से आए थे ना भगवान मिले और बाद में भूल गए भगवान ने सब विस्मरण करा दिया कोई इच्छा नहीं है लेकिन भगवान बोले जिस इच्छा से आए थे वो पूरी करके रहूंगा दूंगा तुमको राज्य ताकि कल को कोई ये ना कहे मैं इच्छा पूरी नहीं करता हूं इच्छा के लिए बाबा के दरबार में जाना पड़ेगा सारी इच्छा ठाकुर जी पूरी करते पर आपको मांगना नहीं है क्या उनको नहीं पता बच्चा बीमार है या मैं बेकार हूं मेरी नौकरी नहीं है सब पता है उनको आप हरे कृष्णा करते रहो बाकी ठीक करते रहेंगे ये सोचना चाहिए हरे कृष्ण एनी अदर कोई और प्रश्न नहीं है ठीक है श्री श्री रुक्मणि द्वार का अधीश की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव भद्रा महारानी की श्री श्री पंचतत्व गौणिताय की पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ राशि चैतन्य चरित्रा मृत की हरिनाम संकीर्तन की निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हाँ जी हाँ जी राइट। right. एक व्यक्ति होता है अचेतन अचेतन यानी अनकॉन्शियस एक होता है सबकॉन्शियस यानी कि अर्ध चेतन और एक होता है कॉन्शियस यानी चेतन तो तीन अवस्थाएं हैं व्यक्ति की या तो वो अनकॉन्शियस होगा मूर्छित अवस्था में पड़ा होगा है ना बेहोश है और दूसरा है अर्धचेतन यानी कि अनकॉन्शियस असब कॉन्शियस स्टेट में संसार में लोग चल रहे हैं लेकिन बैक ऑफ द माइंड उन्होंने जो अपने परिवारों से सीखा है उसी को लेकर चलते हैं और थर्ड होता है कॉन्शियस कॉन्शियस मतलब फोकस्ड मोर फोकस्ड तो कॉन्शियस व्यक्ति कौन है कहते हैं हमारी लाइफ के पांच प्रकार से इवोल्यूशन होता है प्रक्रिया सबसे पहले हम पेड़ों की योनि में होते हैं जिसमें हमारी चेतना कॉन्शियसनेस सुप्त रूप में सोई हुई अवस्था में पड़ी रहती है पेड़ ये नहीं मांग सकता कपड़ा पहना दो है ना फिर आती है पशु के रूप में पशु कपड़ा नहीं मांगता लेकिन भोजन के लिए बोल सकता है आक्रमण करने पर काट सकता है तो वो अपनी डिफेंड मैकेनिज्म पर आ जाता है तो यानी उसकी चेतना पेड़ की चेतना से उत्कृष्ट चेतना है फिर इवोल्यूशन होता है जिसे डार्विन ने पकड़ लिया इवोल्यूशन इवोल्यूशन एक्चुअली कॉन्शियसनेस का होता है नॉट ऑफ द बॉडी तो ये फिर आगे होती है मनुष्य शरीर मनुष्य शरीर में वो अनेक देवी देवताओं का उपासक होता है इसको कहते हैं कॉन्शियस व्यक्ति है लेकिन इसकी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड कॉन्शियसनेस नहीं है डेवलप्ड कॉन्शियसनेस का मतलब है कि वो शास्त्रों की शरण ग्रहण करता है कि क्या भागवत पुराण में लिखा है अबाउट शिवजी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ शिव जी व्हाट इज द स्टेट ऑफ दुर्गा माई लिखा हुआ है उस अनुसार मीन्स ऑन द टेक्स्ट बुक वो चलता है प्रमाण के आधार पर उपनिषद पुराण वेद और उनके आधार वो है डेवलप्ड कॉन्शियसनेस एंड व्हेन ही स्टार्ट्स अप्लाइंग अपने ऊपर जब वो अपनाने लगता है दैट बिकम्स फुली डेवलप्ड कॉन्शियसनेस पूर्ण विकसित चेतना उसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस हरे हरे कृष्ण